नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बीजापुर का जिक्र करेंगे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। बीजेपी नेता काका अर्जुन का मर्डर हुआ है। इलमिडी गांव में नक्सलियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। घर के बाहर घेर कर बीजेपी नेता की हत्या की गई और अभी तक ये जानकारी तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। बीजेपी नेता की हत्या करने के बाद शव के ऊपर पर्चा भी छोड़ा है। मुखबिरी का शक जब जब होता है, ग्रामीणों की हत्या की वारदात को अंजाम लगातार नक्सली देते आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी नेता की हत्या और कई सवाल भी इसके साथ ही खड़े होते हैं। माओवादी अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसी क्रम में एक बार फिर से यह सिलसिला बीजापुर से सामने आता है। बीजेपी नेता काका अर्जुन का मर्डर हुआ है। इमिडी गांव में नक्सली ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया और घर के बाहर घेर कर उनकी हत्या कर दी गई है। शव के ऊपर पर्चा भी छोड़ा है नक्सली ने। सही कि सत्यनारायण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यनारायण, पर्चा छोड़ा गया ये भी जानकारी सामने आ रही है, किस वजह से वारदात हुई इस पर भी जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बता दूं कि जो है लगातार माओवादी जो है चुनाव के नजदीक आते ही जो है लगातार राजनीतिक घटनाएं करते हैं। इस तारतम्य में जो है बीजापुर जिले के जो है इलमिडी गांव में एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई और भाजपा नेता जो है काका अर्जुन का नाम बताया जा रहा है और वहां पर बताया जा रहा है कि उन पर काफी जो है वो आरोप भी लगी और पास ही जो है एक पर्चे भी फेंके हैं और इसके चलते जो है इलाके में काफी दहशत का माहौल है और लगातार जो है माओवादी तरह की घटना को अंजाम देते हैं और खास करके इससे पहले भी जो है बीजेपी के जो विधायक है दंतेवाड़ा के भीमा मंडा भी, उनकी हत्या भी माओवादी ने की थी और लगातार इस तरह की हत्याएं जो है नारायणपुर में भी हुई थी। इसके चलते जो है काफी दहशत का माहौल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां चलती बाइक पर एक पेड़ गिर गया है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो चुकी है। दो घायल युवतियां अस्पताल में फिलहाल गंभीर हालत में, जो कि बताया जा रहा है कि घायल हैं, अस्पताल में भर्ती करवाई गई हैं। कोतवाली थाने के समलूर की पूरी घटना और एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दो युवतियां घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाई गई हैं। अचानक से पेड़ गिर गया चलती बाइक पर, जिसपे एक युवक सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है। दो अन्य युवतियां जो कि अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती करवाई गई हैं, इलाजरत हैं। घटनास्थल की तस्वीर भी आप देखिए, अचानक से एक पेड़ चलती बाइक पर गिर गया था और उसी वजह से पूरी दुर्घटना सामने आई। कोतवाली थाने के समलूर की पूरी घटना, युवक की घटनास्थल पर ही जान चली गई जबकि दो युवतियां अस्पताल में इलाजरत। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया है। ग्रामीण पर हाथियों ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीण की जान चली गई है। जंगल में लकड़ी लेने के लिए ग्रामीण पहुंचा था और मौके पर वन विभाग की टीम की भी मौजूदगी है। करदौनी जंगल की पूरी घटना है। अक्सर ये अपील की जाती है ग्रामीणों से कि हाथियों के नजदीक न जाएं, लेकिन जैसे ही जंगल की ओर ग्रामीण पहुंचते हैं अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती हैं। ग्रामीण की मौत हो चुकी है हाथियों के हमले के चलते। लकड़ी बीनने के लिए यहां पर ग्रामीण पहुंचा था, अचानक से हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। स्थल पर ही इस व्यक्ति की जान चली गई। हालांकि अब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, लगातार स्थिति का मुआयना भी कर रही है और आसपास ग्रामीणों को अब लगातार ये सलाह दी जा रही है कि जंगल की ओर ना जाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं अंबिकापुर में अब आम हो गई है। अभी भी हाथियों का झुंड यहां पर मौजूद है, करदौनी जंगल की पूरी घटना है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर सामने आती हुई, बहुचर्चित घोटाले के फिर खुलेंगे पन्ने। राज्य सरकार घोटाले की जांच एक बार फिर से करवाने वाली है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी साझा की है। प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले का वो जिक्र कर रहे थे अपने ट्वीट में और सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे घोटाले को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के जरिए सामने आती हुई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित घोटाले प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, जिसे लेकर एक बार फिर से जांच तेज होगी। मुख्यमंत्री का ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात का जिक्र है कि जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर अब एक बार फिर से जांच के पन्ने खुलते हुए सीएम भूपेश बघेल के आदेश के अनुसार आगे इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी है। साथ ही साथ जो भी इस पूरे घोटाले को लेकर संलिप्त पाए जाते हैं, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई का भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ होगा। हालांकि अभी जांच को लेकर ही जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस घोटाले का जिक्र है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर
जांच की जानी है। तो राज्य सरकार एक बार फिर से इस घोटाले की जांच करवाएगी। ट्वीट कर जानकारी साझा की गई। आगे अब देखना होगा कि जितने भी लोग अगर संलिप्त पाए जाते हैं क्या कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से उनके खिलाफ की जाती है। सीएम भूपेश बघेल ने आदेश जारी कर दिए हैं और खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर पहले भी काफी चर्चाएं हुई, सियासत भी काफी बढ़ी इस पूरे मुद्दे को लेकर। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है। गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना। बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ के लिए अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार नजर आते हैं। आपको ये भी बताएं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पहले से ही भारी बारिश हो रही है। 4 अलग अलग जिलों के लिए भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी, उमस और लू चलने की भविष्यवाणी की है। इसी बीच कुछ जिलों में रिमझिम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मुंगेली जिले में आप देखिए किस तरह से कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई, तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को तेज हवा और बारिश के चलते कहीं ना कहीं राहत महसूस होती हुई। गोरेला, पिंडरा, मरवाही की भी तस्वीरें, जिस जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आता है, कई जगहों पर झमाझम बारिश। राजनंदगांव, बलरामपुर, कांकेर, कवर्धा में भी इसी तरह की तस्वीरें। मौसम मेहरबान नजर आया है, लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। हालांकि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी और लू का प्रकोप लगातार चल रहा है और अगले 48 घंटे तक इसी तरह से मौसम बरकरार रहेगा, ये भी जानकारी। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की सियासी खबरों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर एक जनसभा आयोजित की जा रही है जिसे संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। एयरपोर्ट पर अमित शाह लंच करेंगे और उसके बाद अमित शाह हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना हो जाएंगे। दोपहर 1:35 पर जयंती स्टेडियम पहुंचेंगे। कुछ देर रुकने के बाद अमित शाह भिलाई के लिए रवाना होंगे। पंडवानी गायिका उषा बारले के घर भी पहुंचेंगे, यहां पर 20 मिनट तक रुकने वाले हैं और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां पर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसमें शिरकत करने वाले हैं। गृहमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और इस कार्यक्रम के बाद अमित शाह मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री पद की गरिमा को भूल गए हैं ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के सरकार के 9 साल पूरा होने के एवज में आम सभा जो निर्धारित है उसके लिए माननीय अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। 50,000 से अधिक की भीड़ उस आम सभा में होगी। पंडवानी गायिका है पद्मश्री उषा बारले जी, संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत उनसे संपर्क के लिए देश के गृहमंत्री जी का जाना निर्धारित हुआ है। तो चुनावी साल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासी नूरा कुश्ती भी जारी है। सीएम कह रहे हैं कि दुर्ग कांग्रेस का गढ़ है तो बीजेपी इसे कांग्रेस का डर बता रही है। कांग्रेस का हमेशा वहां गढ़ रहा है, 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। चुनावी साल में पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस जहां प्रशिक्षण शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है, तो बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भेजकर पार्टी के लिए समर्थन जुटाने में लगी है। गृह मंत्री अमित शाह कल दुर्ग के दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दावों का दौर शुरू हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग को कांग्रेस का गढ़ बताया है। गृह मंत्री के दौरे पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि हो सकता है वो सरोज दीदी का जन्मदिन मनाने आ रहे हों, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है।
कांग्रेस का हमेशा वहाँ गढ़ रहा है। 77 और 89 में भी कांग्रेस बहुमत के साथ जीत के आई थी। बीच के अंतराल में थोड़ी कमजोर हुई थी, लेकिन अब दुर्ग हमारे कांग्रेस का दुर्ग रहा है। प्रदेश में कांग्रेस बस्तर और सरगुजा संभाग के बाद मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा मजबूत दुर्ग संभाग में है। दुर्ग की 20 विधानसभा सीटों में से 18 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में फिलहाल तो दुर्ग कांग्रेस का ही गढ़ नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं मानती। भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश के गृह मंत्री का दुर्ग आना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक होगा और विशाल आम सभा होगी, और जिस प्रकार से यदि वो कांग्रेस का गढ़ है दुर्ग, तो घबराने की जरूरत नहीं है भूपेश बघेल जी को। दुर्ग संभाग बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सीएम भूपेश बघेल के साथ ही ताम्रध्वज साहू, रविंद्र चौबे, अनिला भेड़िया समेत कई मंत्रियों का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस गढ़ में सेंध बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह यहां से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। हालांकि इससे पहले दुर्ग में कौन है दमदार, इसे लेकर बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के दुर्ग दौरे को लेकर सियासत लगातार बढ़ती हुई। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शाह के दौरे को लेकर उत्साहित हैं और वहीं कांग्रेस शाह के दौरे को लेकर निशाना साधती है। बीजेपी सांसद ने कहा कि अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस में खलबली मची हुई है। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने बीजेपी सांसद विजय बघेल के बयान पर पलटवार किया। जब बड़े नेता आते हैं उसका दूरगामी परिणाम होता है, और माननीय अमित शाह जी तो ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता के रूप में 11 करोड़ संख्या वाली पार्टी बना दी, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी। और आज के समय में हम लोग 16-17 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो जहाँ भी जाते हैं खलबली मच जाती है और दुश्मन के खेमे में तो हाहाकार मच जाता है। ये दुर्ग के किले को या पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के किले को माननीय भूपेश बघेल जी के रहते कोई भेद नहीं सकता। अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो बहुत स्पष्ट है। कितना असर पड़ेगा अमित शाह जी आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केंद्रीय गृहमंत्री कल पहुंच रहे हैं और कांग्रेस ने गृहमंत्री से 17 सवाल पूछ लिए हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से सवाल पूछे गए। अमित शाह के दौरे से पहले ये सवाल पूछे अमित शाह से, ये तमाम सवाल 17 सवाल जिनकी पूरी सूची तैयार की गई है कांग्रेस की तरफ से। एक तरफ लगातार बीजेपी ये कह रही है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल पहुंचेंगे, दुर्ग पहुंच रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची हुई है। लेकिन उससे पहले सियासत लगातार बढ़ती हुई, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की तरफ से एक सूची तैयार की गई है जिसमें 17 सवाल इंक्लूडेड है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले यह सूची पीसीसी की तरफ से जारी हुई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सवाल जरूर पूछे गए हैं, 17 सवालों की लिस्ट है, लेकिन इस सवाल में क्या क्या है, क्या पूछा गया है गृहमंत्री से, ये भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या है इन सवालों में, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ पूछा गया, आपसे जानकारी। देखिए, उसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब बार बार ये बीजेपी कहते आ रही है कि हमने 15 साल में विकास किया है और 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ, तो यही एक सवाल होंगे कि क्या जो जिस तरह से आरोप लगाती रही है बीजेपी, चाहे धर्मांतरण की बात किया जाए, चाहे अन्य विषयों के विकास की बात किया जाए, तो इन्हीं से संबंधित सवाल हो सकते हैं। और क्योंकि जब दुर्ग में ये संभागीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संभाग में 20 सीटें हैं और 20 सीटों में 18 में से कांग्रेस
कांग्रेस काबिज है, और उनमें से यदि दुर्ग के कांग्रेस में यदि कांग्रेस के दुर्ग में यदि सेंध मारना है तो बीजेपी को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और अमित शाह जो आ रहे हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेसियों भाजपाइयों में काफी उत्साह भरने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब जो उनको लड़ना है विधानसभा जब चुनाव होंगे तब इनको सीधे जमीनी स्तर पर उतरना होगा और वे सीधे लोगों से रूबरू होंगे। तो इनको निश्चित रूप से गुरु मंत्र देने के लिए, इनको उत्साहित करने के लिए कल अमित शाह का यहाँ पर दुर्ग में दौरा हो रहा है और उससे तमाम यहाँ पर तैयारियां की जा चुकी है। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये दुर्ग का पंडित रविशंकर स्टेडियम है, आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वही मंच है, थोड़ा सा लाइट अभी गोल हो गई है, टेस्टिंग चल रही है, तो ये मंच है, इसी मंच से जो है वो अमित शाह यहाँ पर कल लोगों को संबोधित करेंगे। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहाँ पे करीब 30,000 लोग एक साथ बैठकर यहाँ पर सभा को सुन सकेंगे। इसके अलावा अन्य जो अलग अलग जगह से आएंगे उनके लिए भी 3 जो गेट है वो अलग अलग बनाए गए हैं, VIP गेट है। इस तरह से जो यहाँ पर लोग पहुंचेंगे उनके लिए तमाम व्यवस्था की गई है ताकि जो दूर दराज से लोग आएंगे उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। करीब 16 गेट या 16 पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, जो अलग अलग जो दिशाओं से आएंगे लोग वहाँ पर अपने पार्क वाहनों को पार्क करेंगे और उसके बाद में दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में पहुंचेंगे। करीब 1:30 बजे अमित शाह जो है वो भिलाई पहुंचेंगे, पहले हेलीपैड में, उसके बाद में वे प्रख्यात जो पंडवानी गायिका है उषा बार्ले के निवास सेक्टर 1 पहुंचेंगे और उसके बाद में 2:10 में उनकी ये पंडित रविशंकर स्टेडियम में सभा होगी। तो कुल मिलाकर तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी को ये पूरी उम्मीद है कि जब अमित शाह यहां पर आएंगे तो निश्चित रूप से जो है बीजेपी को मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और इसका असर जो है वो सीधे जो आने वाले विधानसभा जब चुनाव होंगे उसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस को कोई भय नहीं है, उनका यह कहना है कि कोई भी आ जाए कांग्रेस के किले को वे भेद नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता के बीच में वे गए हैं 5 सालों में, उन्होंने अनेकों विकास कार्य करवाए हैं और उसी की बदौलत वे वोट मांगेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि कितना जो है इसका असर जो अमित शाह के आगमन का होता है। जी बिल्कुल, देखना होगा कल किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपको मिली जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। अमित शाह के दौरे की तैयारी में जुटी पंडवानी गायिका उषा बार्ले, उषा बार्ले के घर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, कल दुर्ग दौरे पर आ रहे हैं मंत्री। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, अमित शाह के दौरे से डरी है कांग्रेस, अमित शाह का दौरा साबित होगा मील का पत्थर। नक्सली ने की अपने साथी की हत्या, नक्सली लीडर मानू दुग्गा का मर्डर, मानू दुग्गा पर था 8 लाख का इनाम। महासमुंद में मुनकासेर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों ने अस्पताल में मचा उत्पात, मामले की जांच करी पुलिस। योग दिवस पर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी उमा थुरू हुए शामिल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी पहुंचे। मशहूर गायक मोहम्मद जाकिर हुसैन का निधन, बिलासपुर में वॉइस इंडिया फेम हुसैन ने ली अंतिम सांस। सीएम हाउस घेराव मामले में BJYM के 3 कार्यकर्ताओं पर FIR, थाना प्रभारी पर हमला करने के मामले में भी मुकदमा दर्ज, घेराव में DD थाना प्रभारी कुमार गौरव हुए दिखाए। कांकेर में पुलिसकर्मियों ने अनाथ लड़की से रचाई शादी, लड़की के बालिग होने के बाद कांस्टेबल ने लिए 7 फेरे, पुलिसकर्मी की हर तरफ हो रही गाली। बिलासपुर में 7 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार यूपी का रहने वाला आरोपी रामचरण रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। कोंडागांव में शराब चोर गिरोह का खुलासा, कोंडागांव पुलिस ने ओडिशा से पकड़े 10 आरोपी, आरोपियों से चोरी की 15 बाइकें जब्त। कांकेर में सर्व आदिवासी समाज ने निकाली रैली, कांकेर कलेक्ट्रेट मार्ग पर किया विरोध प्रदर्शन, SDM को सौंपा ज्ञापन। जगदलपुर में मांगों को लेकर आदिवासी समाज की रैली, SC ST और OBC में स्थानीय भर्ती की मांग, 15 दिनों में मांगे पूरी करने का दिया अल्टीमेटम। महासमुंद में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल, पिथौरा बस स्टैंड के पास हादसा। बलरामपुर में यात्री बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, हादसे में 6 यात्रियों को आई गंभीर चोटें, बस में सवार थे 30 से 35 यात्री। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी आग, गोढ़ी स्थित रिम्स के 4th फ्लोर पर धधकी आग, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। सूरजपुर में भूसा गोदाम में भीषण आग, बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड का कर्मचारी झुलसा, करंट की चपेट में आने से नगर सेना का जवान घायल। बलरामपुर में बदला मौसम के मिजाज, चमक गरज के साथ शुरू हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। पिंडरा में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, बदले मौसम से गर्मी से मिल रही राहत। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।